विद्यार्थियों, आपके बीच 93 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपको 92 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था नेक्स्ट डे में। तो आ जाइए कि 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने प्रवासियों के डेटा बैंक से विस्तार के लिए प्रवासन सर्वेक्षण करने की घोषणा की है। विद्यार्थियों, आपको बता दें, अगर क्लास में पहली बार है तो क्लास को शेयर जरूर करें, और सभी कंपटीशन के लिए है। आपके बीच ऑप्शन मौजूद है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र। विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी से थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की कि केरल प्रवासन सर्वेक्षण आयोजित करके प्रवासी मलयाली के डेटा बैंक का विस्तार किया जाएगा, और इस सर्वेक्षण के लिए एक प्रवासी डेटा पोर्टल तैयार किया जाएगा, जबकि राज्य व्यापक वैश्विक पंजीकरण अभियान चलाएगा। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों, आपके बीच 94 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है। क्वेश्चन रिवीजन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपके बीच ऑप्शन भी है 20, 21, 19 जून और 18 जून। विद्यार्थियों, आप हमको इस आंसर को कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर क्या हो सकता है, जो कि ये दोबारा क्वेश्चन रिवीजन हो रहा है। तो इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि वर्ष 2015 से 21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8वां संस्करण मनाया जाएगा। और योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। और योग शब्द संस्कृत से लिया गया है, और इसका अर्थ शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक, जुड़ना का एक होना है। और आज यह दुनिया भर में विभिन्न रूपों में प्रचलित है, और इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों, आपके बीच 95 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस कब मनाया गया है। मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वैसे तो RRB के लिए वेरी मोस्टेड है 18 जून, 19 जून, 20 जून और 21 जून। विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 21 जून हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आप और जानकारी देना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और यह दिन संक्रांति और विश्व तथा कई धर्मों और जातियों संस्कृतियों के लिए उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है। और ग्रीष्म संक्रांति वर्ष का वह दिन होता है जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है, और यह साल 21 जून को है। इसी जानकारी के साथ आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देना चाहेंगे कि विद्यार्थियों, आपके बीच 96 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व संगीत दिवस 2022 कब मनाया गया है। आपके बीच वेरी मोस्ट क्वेश्चन है 21 जून, 20 जून, 19 जून और 18 जून। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 21 जून हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी से थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, और यह दिन संगीत के उस कला रूप को सम्मान देता है जो लोगों को संस्कृति, क्षेत्र, भाषा और धर्म से जोड़ता है। और संगीत प्रेम, शोक, हान जैसी विभिन्न भावनाओं को भी एक रास्ता देता है, और प्रकृति में चेचक या रेचक। इस दिन सभी लोगों को भाग लेने के लिए मुक्त संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और यह एक विशाल सांस्कृतिक आदान प्रदान है और समाज का करीब भी लाता है। और विश्व संगीत दिवस 2022 की थीम म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन है। ठीक है विद्यार्थियों, इसी कड़ी के साथ अब मिलेंगे नेक्स्ट डे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।